नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पेज में स्वागत है। आज की ये वीडियो होने वाली है गीज़र की रॉड के ऊपर, जिसे हम गीज़र एलिमेंट भी बोलते हैं। इसे आपको किस तरह से चेक करना है कि ये ख़राब है या सही है। तो सबसे पहले तो आपको ये ख्याल रखना है कि अपने की जो ये गीज़र की जो कोड है, पावर कोड है, ये बाहर निकली हो, पावर कोड में ना हो। और उसके बाद जो आपको इसका जो ये पैनल है, सेफ्टी कवर जो है, ये खोल लेने हैं। तो आप चाहें तो वैसे तो सिंगल ये जो है आपका कवर है, इसे खोल के भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है वो दिखाने के लिए मुझे जो ये यहाँ पे थर्मोस्टैट है, ये भी निकालना पड़ेगा। आप चाहें तो बिना इसे निकाले भी आप जो है इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मैं अपनी यहाँ पे फिंगर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे ही आपका जो गीज़र का एलिमेंट जो लगा होता है वो रहता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसे भी निकालने वाला हूँ। थर्मोस्टेट को जो है वो मैंने निकाल दिया है। तो अगर आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जो हमारा गीज़र एलिमेंट रहा और इसके ये जो दो टर्मिनल्स हैं, तो इन्हें चेक करने के लिए कि आपकी जो गीज़र एलिमेंट है वो सही है या ख़राब है, इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आपको जो है वो सिंपली मल्टीमीटर को जो है वो कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है यहाँ पे, तो इस तरह से। देन आपको जो है वो अपनी जो इसकी मल्टीमीटर की जो दो प्रोब्स होती हैं, उन्हें आपको जो है गीज़र एलिमेंट में लगा के चेक करना है। आप कोई सी प्रोब किसी भी साइड में लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये जो प्रोब्स हैं ये देखिए यहाँ पे दोनों में लगा दी, तो यहाँ पे जो वो रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब कि हमारा जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपके पास केस में भी ये रीडिंग आ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे प्रोब लगाने के बाद में यहाँ पे आपको एक इसमें प्रोब लगानी है, और उसके बाद जो इसका एलिमेंट का जो ये सरफेस है, ये पीछे जहाँ पे मैं उंगली लगा रहा हूँ, अगर यहाँ पे लगाने के बाद भी रीडिंग आती है, तो आपका इसका मतलब है कि आपका जो एलिमेंट है वो शॉर्ट हो चुका है, और इसी की वजह से आपके गीज़र में के पानी जब आप लगा रहे हैं तो उसमें करंट आ रहा है। तो आपको जो एक प्रोब किसी भी एक इस पे लगा के चेक करना है, यहाँ पे एक जो है मेटल सरफेस पे लगा के, कि कहीं कोई रीडिंग तो नहीं आ रही है। देखिए मेरे केस में कोई रीडिंग नहीं आ रही है, और ऐसे ही दूसरी वाली भी लगा के आपको चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो इस चीज़ से तो हमें पता चल गया कि जो ये एलिमेंट है मेरे केस में, जो ये एलिमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो अभी मैं आपको जो है वो दो एलिमेंट्स ऐसे दिखाऊंगा जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उनमें जो रीडिंग्स है वो किस तरह से आ रही है। तो अभी अगर आप ये देख सकते हो, तो मेरे पास ये एक ख़राब एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो अभी मैं आपको जो है इसकी कंटिन्यूटी चेक करवाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही मैं प्रोब्स लगाई अपनी, तो ये देखिए इसमें रीडिंग आ रही है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले गीज़र में चेक किया एलिमेंट की, उसके में केस में भी जो है यहाँ पे रीडिंग आ रही थी। तो इसका मतलब कि ये एलिमेंट भी सही हुआ उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हमने जो है वो दूसरे वाला टेस्ट नहीं किया। जैसे ही मैं इस प्रोब को जो है वो एक को इसमें लगा के इसका जो मेटल सरफेस है इस पर टच कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप तब भी रीडिंग आ रही है। इस केस में रीडिंग नहीं आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये एलिमेंट है ये ख़राब है। और ज़्यादातर केसेस में जब भी आपके गीज़र में करंट की प्रॉब्लम हो, तो यही एक मेन कारण रहता है। अगर आपने सभी की सभी तारें जो वो चेक कर ली हैं, कोई भी तार जो वो आपके मेटल सरफेस के साथ टच नहीं हो रही है, तो आपका गीज़र एलिमेंट की वजह से ही जो है वो करंट आता है। मेरे पास जो वो एक और गीज़र एलिमेंट पड़ा है जो कि ख़राब है, तो इस केस में भी हम जो है पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं है। अगर आपके केस में भी ऐसा हो तो आपका जो गीजर एलिमेंट है वो बिल्कुल ख़राब है। और अगर अभी आप देख सकते हो तो जैसे ही मैंने इसका जो मेटल सरफेस के ऊपर जो टच किया तो देखिए ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो ये भी आपकी जो गीज़र रॉड है ये बिल्कुल ख़राब है, लेकिन यहाँ पे जो आपको ये सरफेस के ऊपर जो वो कंटिन्यूटी दिखा रहा है। और अगर आप देख सकते हो तो गीज़र रॉड्स में जो है मेनली ये देखिए, ये अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से ये पूरी तरह से जो है वो बाहर का जो एलिमेंट स्टील है वो ख़राब हो गई है, और ये अंदर में जो है स्प्रिंग है ये बिल्कुल ऐसा स्प्रिंग है जैसे ही आप नॉर्मल रॉड्स जो हैं वो पहले के टाइम में बनती थी स्प्रिंग के साथ, वैसा ही स्प्रिंग इसके अंदर भी होता है। तो ये भी जो है वो कई बार यहाँ से ये गल के ऐसे आपका जो स्प्रिंग है वो बाहर आ जाता है। और ऐसे केस में जो अब हम अगर हम गीज़र को यूज़ करते हैं तो हमारे जो गीज़र के पानी में जो वो करंट आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो अगर आपको भी अपना गीज़र जो है वो इस तरह से चेक करने पे फॉल्टीन मिलता है तो आपको ये अपना जो गीज़र एलिमेंट है वो चेंज कर लेना चाहिए। और आपको जो वो अपना ये गीज़र एलिमेंट किस तरह से चेंज करना है इसके ऊपर जो है मैंने वो पहले ही एक वीडियो बना रखी हुई है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जो है वो उस वीडियो को देख के अपनी जो गीज़र एलिमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जो गीज़र एलिमेंट है वो इस तरह से आपने चेक किया और वो बिल्कुल ही सही है, और फिर भी अगर आपका जो पानी वो गर्म नहीं हो रहा है या आपके गीज़र में जो पानी में जो वो करंट आ रहा है, तो ऐसे में आपको जो यहाँ पे जो जितनी भी वायर्स हैं उनके कनेक्शन चेक करने हैं कि कहीं से वो कट के जो है वो आपकी इस मेटल बॉडी के साथ तो नहीं लग रहे हैं। तो उस केस में जो आपका जो गीज़र में जो पानी में जो है वो आपके करंट आएगा। और अगर आपका जो गीज़र है उसमें पानी सही से गर्म नहीं हो रहा है तो उस केस में आपका जो थर्मोस्टेट है वो भी ख़राब हो सकता है, ये जो इसका हमने थर्मोस्टेट शुरू में खोला। और दूसरा ये हो सकता है कि जो इसका ये अगर आप देख रहे हो ये देखिए ये वाइट वाइट सा यहाँ पे जो है वो इसका करंट दिया होता है, सॉरी जो आपका जो टेम्परेचर है वो दिया होता है कि आप जो टेम्परेचर है वो कितना इसमें रखना चाहते हैं। ये देखिए इसमें अलग अलग मार्किंग्स होती हैं, थोड़ी जूमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें मार्किंग दी होती है कि आपने 60 पे रखना है, 70 पे रखना है या उससे ज़्यादा रखना है। तो कई बार जो होता है ये आपका या तो ये ख़राब होता है या इसका जो ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए जो दिया होता है ये आपसे गलती से कम या ज़्यादा हो जाता है, तो इससे हमारे टेम्परेचर जो पानी गर्म होने का जो टेम्परेचर है वो उस पर इफ़ेक्ट भी पड़ता है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आपका जो थर्मोस्टेट सही है या नहीं इसके ऊपर मैंने एक पहले से ही वीडियो बना रखी है, और वो तो वैसे तो वो वीडियो जो है वो आपका जो इंस्टेंट गीज़र होता है उसके ऊपर है, लेकिन सभी गीजर्स के जो थर्मोस्टेट है वो बिल्कुल सही सेम प्रोसेस से काम करते हैं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख के अपना थर्मोस्टेट भी चेक कर सकते हैं। और इसका जो ये रेगुलेटर है कि आप कितना पे टेम्परेचर रखना है या नहीं रखना है और किस तरह से इसे अगर आपने मान लीजिए कि रिपेयर किया तो उसके बाद आप इसे किस तरह से सेट करेंगे, तो इसके ऊपर जो मैं एक डिटेल वीडियो इन फ्यूचर में ज़रूर बनाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपके काम आई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ जो है वो फ्यूचर में लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।